हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू टेंसेज इन कंडीशनल सेंटेंसेज। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टेंसेज, बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इफ क्लॉजेज। स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, वन आर डिपेंडेंट एंड अनदर वन आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। डिपेंडेंट clause, the meaning of dependent clause cannot be understood until or unless principal clause is there, but independent clause is independent and its meaning can be understood without the presence of or without knowing principal clause. That itself explains its meaning. Independent clause itself explains its meaning, but dependent clause is dependent on the principal clause to understand its meaning. Okay, so there are these conditional sentences are formed with the help of if clauses, and there are three types of conditional sentences. Ab main aapko hindi mein batata hu. कंडीशनल सेंटेंसेस का मीनिंग, जो इफ से स्टार्ट होंगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, वो कंडीशनल क्लॉज होगी या इफ क्लॉज होगी। और दो तरह की क्लॉजेज होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि क्लॉजेज क्या हैं। अभी फिलहाल आप ये सोचिए कि इफ क्लॉज जो है वो कंडीशनल क्लॉज है और जो दूसरी क्लॉज आती है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, मैं आपको इसके बाद वाली जो वीडियोस आएगी उसमें सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको पूरा क्लॉजेस के बारे में बता दूंगा। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, थ्री टाइप्स, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस, एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज आप बोल रहे हो, यदि आप परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, हिंदी की जैसे हिंदी में बोला उसको वैसे ट्रांसलेट नहीं करना है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे पास हो जाओगे, दोनों फ्यूचर लग रहे। नो, वन थिंग इज वेरी क्लियर, you will have to condition plus a result। students, दोनों future में क्यों नहीं होंगे? because first you will have to fulfill the condition, then there will be result। first आपको condition को fulfill करना पड़ेगा। कैसे? यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, mean at present you will have to work hard, आज कठिन परिश्रम करते हो तो future में पास हो जाओगे, कल पास हो जाओगे, परसों पास हो जाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोलता हूँ, यदि आप मेरी हेल्प करते हो तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू हेल्प मी, देन आई विल गिव यू अ चॉकलेट। ओके, तो कंडीशन प्लस रिजल्ट, एंड कंडीशन इज ऑलवेज इन इफ क्लॉजेस। ठीक है, इफ क्लॉज से आपकी कंडीशन बनेगी। पहले आपने कंडीशन देखनी है, एंड देन देयर विल बी रिजल्ट। रिजल्ट बाद में आएगा, वो फ्यूचर में होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशंस। ठीक है, we have three types of conditions. Number one is possible condition. What is possible condition? Possible condition is condition that is likely to be fulfilled, that is likely to be fulfilled. There is possibility of fulfilling that condition. कैसे? यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, आपके पास टाइम है, कठिन परिश्रम करो, रिजल्ट आएगा, तो वो दिस टाइप ऑफ कंडीशन कैन बी फुलफिल्ड। अगर आप मेरी हेल्प करते हो, इफ यू हेल्प मी आई विल थैंक यू,
If you obey your parents, they will bless you. First fulfill the condition and the result will be there. ठीक है, तो possible condition क्या है? The condition that is likely to be fulfilled, you have got time, you can fulfill that condition and there will be result. Okay? Now, what is the structure? Structure, because in all the conditional sentences, three types of conditional sentences, the structure will be different. Okay? So, first structure is, पहला formation कैसे करोगे possible condition की? आपने क्या करना है? जो इफ क्लॉज होगी, जो कंडीशन को शो करती है, इफ आप ये पढ़ चुके हो पहले, एस और ई एस, दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. कौन सी क्लॉज प्रेजेंट इनडेफिनेट में गई? कंडीशनल. कंडीशनल क्लॉज विल बी इन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. मीन ये होगी, दिस इज इन प्रेजेंट इनडेफिनेट. अब आपको कोई ये नहीं पूछ सकता है, क्योंकि यहां पर हम चल करके आए हो, तो हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है. हम ये नहीं पूछेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट कैसे बनता है. वी नो, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और यस और डू डज. तो ये कंडीशनल कंडीशनल क्लॉज विल बी इन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. एंड रिजल्ट वाली जो क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज जिसको हम बोलेंगे, जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज. अब अगर ऐसे आपके दिमाग में नहीं बात याद रह रही है कि प्रिंसिपल क्लॉज है, द क्लॉज विद रिजल्ट, शोइंग रिजल्ट. ठीक है, द क्लॉज शोइंग अ रिजल्ट. ये कैसे होगी? ये होगी सब्जेक्ट प्लस शैल विल. मैंने आपको पहले ही बोला है शैल विल नहीं लिखना है, तो सिंपल सा ये लिख दीजिए. ठीक है, ऐसे कर लीजिए, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मीनिंग कैसे बनाई आपने रिजल्ट वाली? फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस. ठीक है, फ्यूचर इनडेफिनेट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेयर कैसे बना? प्रेजेंट इनडेफिनेट, फ्यूचर इनडेफिनेट. इफ क्लॉज शुड बी ऑलवेज बी प्रेजेंट इनडेफिनेट, इट शुड बी इन प्रेजेंट इनडेफिनेट. एंड द क्लॉज शोइंग रिजल्ट और प्रिंसिपल क्लॉज शुड बी फ्यूचर इनडेफिनेट. कैसे? आप जितने मर्जी सेंटेंस बना लीजिए, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे पास हो जाओगे, यदि माँ चावल पकाएगी तो मैं खाना खाऊंगी, यदि माँ चावल नहीं पकाएगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, यदि आप मेरा काम करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, अगर आप शोर करोगे तो मैं आपको पनिशमेंट दूंगा. जितने मर्जी सेंटेंस बना लीजिए, इंग्लिश में बनाइए. इफ यू कुक राइस, I shall take dinner. If you do not cook rice, I shall not take dinner. I will not take dinner. Then, if you work hard, you will pass in the examination. If you help me, I shall thank you. If you obey your elders, they will always bless you. ठीक है? They will bless you. Then, if you abuse me, I shall not talk to you. ओके, इफ यू हेल्प द पुअर ही विल ब्लेस यू. जितने मर्जी सेंटेंस बना लीजिए, आप बार बार ये सेंटेंसेस घर में यूज करते हैं. छोटे भैया को बोलते हो, अगर आप मेरा रूम साफ करते हो तो मैं, यदि आप मेरा रूम साफ करते हो या करोगे, मैं आपको एक बड़ी सिल्की चॉकलेट दूंगा. ठीक है, इफ यू क्लीन माई रूम, आई शैल गिव यू अ बिग सिल्की चॉकलेट. ठीक है, तो ऐसे आप जितने मर्जी सेंटेंस बना सकते हैं. एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या होगा, वन क्लॉज विल बी गिवन टू यू कंप्लीट, अनदर वन विल बी इनकंप्लीट. यू आर सपोज टू कंप्लीट दैट क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल, इफ शी यहां पर देखिए कौन सी क्लॉज कंप्लीट है जिसमें ब्रैकेट नहीं है.
I shall enjoy it. आपको बताइए ये फ्यूचर इनडेफिनेट है, यहां पर प्रेजेंट इनडेफिनेट बनेगा. इफ शी कुक्स टेस्टी फूड आई एंजॉय इट. ओके, इफ अब यहां पर देखिए दूसरा, इफ शी ओपन्स द डोर द डॉग एंटर द रूम. प्रेजेंट इनडेफिनेट इज कंप्लीट, प्रिंसिपल क्लॉज विल बी इन फ्यूचर इनडेफिनेट. इफ शी ओपन्स द डोर द डॉग विल एंटर द रूम. यदि वह दरवाजा खोलेगी कुत्ता अंदर आ जाएगा. जितने मर्जी आप सेंटेंसेस बता दीजिए, ठीक है, आप बताइए, बनाइए, घर में देखिए कब क्या हो रहा है, आप ऐसी एक किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्या बोल रहे हैं, कैसे आप किसी को देख रहे हो. वो चॉकलेट खा रहा है, अच्छा अकेला खा रहा है. इफ़ यू गिव मी अ पीस ऑफ चॉकलेट आई शैल गिव यू अ बिग चॉकलेट टुमारो. सिंपल सा बन गया. इफ़ यू डू माई होमवर्क आई शैल ऑफर यू कॉफी. ओके, इफ़ यू फिल अप माई फॉर्म आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू. ठीक है, तो ये आपके पॉसिबल कंडीशन बन गए. हाँ, ये जो रिजल्ट वाला पार्ट है इसको आप यहां पर भी ले आ सकते हो, पर रखना ऐसे ही है, वो होगा फ्यूचर इनडेफिनेट में. कैसे? I will enjoy the food if she cook tasty food. उसको बाद में लीजिए. You will pass the examination if you work hard. If you work hard, you will pass in the examination. You will pass in the examination if you work hard. वैसे लिखा है, सिर्फ you principal clause को पहले ले आओगे, कॉमा नहीं लगाएंगे. If से शुरू करोगे तो कॉमा clause, जब ये subordinate clause समाप्त होगी then we will put a comma here. Okay? This is the only difference. तो ये I hope कि possible condition आपको आ गई होगी. ठीक है, जैसे if you learn to drive a car, I'll give you a new car, or I'll allow you to drive my car. जितने ज़्यादा आप sentences बनाओगे उतना आपका काम easy होता जाएगा. तो students, ये थी possible condition, the condition that is likely to be fulfilled, and another one is पहली पॉसिबल थी, ठीक है, और उसको प्रोबेबल भी बोल सकते हैं. नंबर टू इज इम्प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है, या जिसको आप बोलोगे इमेजिनरी, दैट इज नॉट रियलिटी, अनरियल, इमेजिनरी, सपोजिशन, सपोज कर रहे हैं आप, दैट इज नॉट रियलिटी, सपोजिशन, और यू कैन से अनरियल कंडीशन, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज अनरियल कंडीशन. ठीक है, दिस इज अनरियल कंडीशन बिकॉज दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज जस्ट सपोजिशन, दैट इज जस्ट इमेजिनेशन. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इफ क्लॉज फॉर्मेशन कैसे, इफ क्लॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, और ऑब्जेक्ट आ गया, देन अदर वर्ड जो भी है, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज इज इन सब्जेक्ट प्लस वी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स व्हाट इज द पास्ट ऑफ विल, वुड, ऑलवेज वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट whatever is there. This is condition, in imaginary condition. Okay, and this one is the result, principal clause, subordinate or what, if clause, that shows condition.
ये ऐसे बनेंगी या अदर्व अदर फॉर्मेशन इज इफ व्हेन एक्शन इज नॉट देयर. दिस शोज एक्शन हियर, नो एक्शन इज देयर. वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट सम स्टेट और एग्जिस्टेंस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सभी के साथ वर्ब, आई वर, यू वर, ही वर, दे वर, शी वर, प्लस जो भी आगे आ गया. इफ आई वर कंप्लीमेंट बोलेंगे, दैट विल बी नॉट द ऑब्जेक्ट, दैट विल बी कंप्लीमेंट. तो मैंने डैश डैश कर दिया. और यहां पर सेम वही सब्जेक्ट प्लस वुड एंड फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी है. ठीक है, एक तरीका ये है कंडीशन प्लस ये. ठीक है, दिस इज अनरियल कंडीशन. दिस इज लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड. देखिए, लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड, लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग इट. लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस कैन बी कवर्ड अंडर दिस कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग, किसी ने आपको बोला यार भिखारी को सिर्फ 5 रुपये दिए, आप 100 रुपया भी तो दे सकते थे. मैंने उसको कहा, इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड गिव हिम 100 रुपीज. इफ आई वन अ लॉटरी आई वुड गिव हिम 1 लाख रुपीज. अगर मैं अनरियल सपोज कर रहा है, दैट इज़ नॉट रियलिटी. कई बार हम क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट्स को देख करके, किसी बच्चे को देख करके, ऐसे हमें पता है वो टाइम वेस्ट करता है, लेथार्जिक है, लेजी है, आइडल है, कोई काम नहीं करता, पढ़ेगा नहीं. हमने देखा बुजुर्गों को बोलते, ओ पढ़ लेता तो सेना में भर्ती हो जाता. इफ ही स्टडीड वेल ही वुड ज्वाइन द आर्मी. वो क्यों बोला? बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट, बिकॉज वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं. ठीक है, दूसरी इसमें आपने क्या करना है, ये जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दिस विल बी ऑलरेडी गिवन टू यू एंड यू विल कंप्लीट दिस वुड प्लस. आपने ये देखना है, फर्स्ट फॉर्म एस और यस, शैल विल फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म वुड फर्स्ट फॉर्म. सिंपल सा है, आप पेयर्स को याद रखिए. Then subject plus verb, verb when there is no action at all. Action नहीं हो रही है. हम क्या बोल रहे हैं, किसी ने मेरे को स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया, मैंने उसको बदले में 2 मार दिए. अब जिस आदमी ने मुझे देखा, मान लो मेरे मदर ने देख लिया, बोला क्या करते हो, गांधी जी had said that if anybody slaps you, you should offer your second cheek so that person might slap you. बोला अरे तूने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, उसने 1 थप्पड़ मारा था, तूने 2 मार दिए. अरे गांधी जी ने कहा है कोई 1 थप्पड़ मारता है तो उसको दूसरी गाल दे दो थप्पड़ मारने के लिए, दूसरा खा लो. लेकिन वो क्या बोलता, इफ आई वर महात्मा गांधी, अब मैं तो हूँ नहीं, मैं गांधी हो ही नहीं सकता हूँ, दैट इज अनरियल कंडीशन. लेकिन सपोजिशन क्या कर रहा है, ही इज सपोजिंग द सिचुएशन दैट इफ आई वर महात्मा गांधी आई वुड हैव ऑफर्ड हिम माई अनदर चीक सो दैट ही माइट स्लैप मी. हाँ, अगर मैं गांधी होता तो मैं उसको दूसरी गाल ऑफर कर देता ताकि वो मेरे को थप्पड़ मार दे, पर मैं गांधी तो हूँ नहीं. ठीक है, तो ऐसे इफ आई वर. फिर किसी ने कहा क्या भिखारी को 1-1 रुपया देते हो, 10,000 दे दो. मैंने ओके, इफ आई वर अ मिलियनियर I would offer him 1 lakh rupees. Supposition है. कई बार क्या होता है, देखो गर्ल्स का एग्जाम्पल देता हूँ. गर्ल्स ससुराल चली जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्हें मम्मी की याद आती हैं, तो वो क्या बोलती हैं, अगर मैं पक्षी होती तो उड़ करके आ जाती है आपसे मिलने, है ना. तो वो क्या कर रही है, supposition, just imagination, okay, unreal condition. If I were a bird, I would fly टू यू. अगर मैं पक्षी होती तो आपके पास उड़ करके आ जाती. ठीक है, इफ आई वर अ मिलियनेयर. आप एक पैराग्राफ लिखते हो, किसी ने आपको सिचुएशन दे दी कि भैया आपने पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर.
नो आई एम नॉट अ प्राइम मिनिस्टर. इफ आई वर, वर मीन अनरियल सिचुएशन. आप जहां पर बैठे हो वहां पर यह मान के चलो कि प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते. इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड ओपन सो मैनी स्कूल्स फॉर पुअर पीपल. इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड ओपन सो मैनी कॉलेजेस सो मैनी मेडिकल कॉलेजेस वट एवर दैट इज. तो आप वो कल्पना कर सकते हो कि मैं क्या करता अगर मैं प्रधानमंत्री होता. तो आपने कहा इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर इफ आई वर अ चीफ मिनिस्टर इफ आई वर. जैसे किसी ने बोला यार आपने उसको थप्पड़ मार दिया क्या करते हो आप, मैं तो सबको माफ कर देता हूँ. आपने बोला इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तुम्हारी जगह होता. इफ आई वर यू आई वुड एक्सक्यूज हिम. ओके, तो ये दूसरा हो गया. कौन सा है? लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड. इम्प्रोबेबल कंडीशन. इम्प्रोबेबल कंडीशन, ठीक है, ये गलत हो गया. इम्प्रोबेबल कंडीशन. इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या है? दैट इज लेस लाइकली टू बी फुलफिल्ड. इमेजिनरी है. अगर मैं ये होता तो ऐसा करता, अगर वो होता तो वैसे करता, ठीक है, तो वो इमेजिनरी हो गई. और उसको आपने क्या करना है, आपने जो कंडीशनल है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रिजल्ट पार्ट ऑफ द क्लॉज विल बी इन पास्ट, जो फ्यूचर को कर देंगे, शैल विल को वुड कर देंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन ओके, देन वी हैव थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशन. इन इम्पॉसिबल कंडीशन कौन सी है? नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड. नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड. नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड. देखिए इम्पॉसिबल कंडीशन. अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रोबेबल एंड इम्पॉसिबल कंडीशन, बिकॉज दैट कंडीशन वॉज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड. उसको भी तो हम वो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी इफ आई वर अ मिलियनेयर, लेकिन दैट इज इमेजिनरी. ये इम्पॉसिबल कंडीशन और पॉसिबल कंडीशन, वो जो इम्प्रोबेबल है, देखिए पॉसिबल कौन है उस कंडीशन, वो दैट इज इन आर रीच, वी कैन फुलफिल दैट कंडीशन, वो फर्स्ट वन थी. सेकेंड वाली इमेजिनरी है, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड बिकॉज दैट इज इमेजिनरी. ओके, दैट इज इमेजिनरी कंडीशन दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड. सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पॉसिबल कंडीशन एंड दैट कंडीशन? द डिफरेंस इज स्टूडेंट्स दैट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस कंडीशन वॉज पॉसिबल. कोई तो टाइम था जब ये वो पहले वाली जो इम्प्रोबेबल है दैट वॉज नेवर 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 पॉसिबल टू बी फुलफिल्ड, बट इट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट, बट वॉज पॉसिबल इन द पास्ट. ये पास्ट में पॉसिबल थी, अब पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कैसे? जैसे आप बोलते हैं कोई बच्चा फेल हो गया, अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता तो आप पास हो जाते. मैंने यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में ये करवाया है. तो आप बोल रहे हो कि अगर आप कठिन परिश्रम करते, इसका मतलब बिफोर एग्जामिनेशन यू डिडंट वर्क हार्ड, दैट्स व्हाई यू फेल्ड. तो आप कौन सी कंडीशन बोल रहे हो? इम्पॉसिबल कंडीशन, दैट इफ यू हैड वर्कड हार्ड you would have passed in the examination, you would have topped in the examination. ठीक है, this is impossible condition, but at some point of time but was possible in the past. कहीं ना कहीं ये possible थी. ठीक है, जैसे आपने अपना birthday मनाया, मेरे को नहीं बुलाया, लेकिन अगले दिन कहा आप मेरे birthday में नहीं आए. मैंने क्या कहा? अगर आप मुझे birthday में बुलाते तो मैं अवश्य आता. ठीक है, तो इसकी formation कैसे करेंगे? Formation is if plus subject plus had, perfect में चला जाएगा, plus third form of the verb plus object और कुछ भी आगे, और plus second part जो है, जो result वाला part है, ये condition वाला part है, और result वाले part में क्या किया?
सब्जेक्ट प्लस, एक तो पास्ट का वो वुड तो होगा ही, विल का वुड, प्लस परफेक्ट कर देंगे हैव से और यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स एट और वट एवर देयर इज. ठीक है, तो ऐसे बन रहा है. अनदर वे टू फॉर्म दिस, इफ नहीं लगाना है तो वो होगा, वो इंटरोगेटिव नहीं बन रहा है, दैट इज नॉट इंटरोगेटिव, दैट इज कंडीशनल बट विद द हेल्प ऑफ हैड. पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आगे वही है सब्जेक्ट प्लस, सेम है, सेम है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फुल स्टॉप. ओके, दिस इज नॉट इंटरोगेटिव. देर आर टू वेज, टू स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मिंग दिस क्लॉज. कैसे? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन. If you had worked hard, you would have topped in the examination. Had you worked hard, you would have passed in the examination. Okay? Had you worked hard, वैसे बोल दीजिए, had you invited me to your birthday, I would surely have come. I would have come. आपने कहा mama, had you cooked rice? Had you cooked rice? I would have taken dinner. मैं इसीलिए भूखा सो गया. Had you cooked rice? मुझे राइस अच्छे लगते हैं. Had you cooked rice? किसने कहा? Oh, you didn't reply for my message. Okay. Had I received your message, I would have replied. मुझे आपका मैसेज मिला होता तो मैं रिप्लाई जरूर करता. Had I received your message, I would have. तो ये ऐसे बन गया. ठीक है, तो इसमें भी क्या किया होगा, एक सेंटेंस आपको, एक जो क्लॉज है वो कंप्लीट दी होगी, एक अधूरी होगी, अधूरी वाली को आपने कंप्लीट करना है. कैसे कंप्लीट करना है, देखिए, अब स्टूडेंट्स वी हैव डन, लेट अस रिकैप्चर, वी हैव डन थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. नंबर वन पॉसिबल, नंबर टू इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी, ओके, और अनरियल. ठीक है, एंड थर्ड वन इज इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल कंडीशन. ठीक है, these are the conditions, possible, improbable mean imaginary or unreal and impossible. possible में क्या बनाया हमने, present indefinite, this is present indefinite, कौन सी clause, if clause, और रिजल्ट वाली क्लॉज फ्यूचर इनडेफिनेट. ठीक है, वंस अगेन लेट मी टेल यू, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस इज प्रेजेंट इनडेफिनेट, देन फ्यूचर इनडेफिनेट, शैल विल और अकेला विल भी चल पड़ेगा, दिस वन इज. ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा. कैसे, देखिए यहां, इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल, शी पास द एग्जाम. ठीक है, ये आपको कंप्लीट दे दिए, प्रेजेंट इनडेफिनिट पहचान लीजिए, यहां पर लगाइए विल और यहां पर वो पास को पास ही रहने दो फर्स्ट फॉर्म, शी विल पास द एग्जाम, शी विल टॉप द एग्जाम. इफ यू पेंट अ पिक्चर आई शैल बाय इट. अगर आप पिक्चर बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, मैं उसको खरीद लूंगा. इफ यू पेंट अ पिक्चर आई शैल सेल इट इन द मार्केट, सिंपल. ठीक है,
इम्प्रोबेबल कंडीशन इफ वाला जो है दैट इज इन सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन हो जाता है, ठीक है, वर प्लस यहां पर क्या करना है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे? इफ आई वर अ मिलियनियर आई वुड हेल्प एवरी पुअर पर्सन। अगर मैं मिलियनियर होता, लखपति करोड़पति होता तो मैं हर गरीब की हेल्प करता, सहायता करता, ठीक है। यहाँ पर इफ यू ओबेड योर पेरेंट्स दे वुड ब्लेस यू, इसका मतलब आई एम नॉट होपफुल दैट यू विल एवर रिस्पेक्ट देम, ओबे देम, ठीक है। किसी का नेचर अच्छा नहीं है, वो ओबे नहीं करता है। तो इफ यू ओबेड मीन इमेजिनरी, देर इज नो पॉसिबिलिटी, ओके। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, क्या करेंगे आप, जैसे एक सेंटेंस, एक क्लॉज आपको कंप्लीट दी होगी, जैसे इफ शी पेंटेड अ पिक्चर आई वुड बाय इट, ठीक है। अब सपोज आपको वहां पर क्या किया, ऐसे कर दिया, लेकिन ये कंप्लीट दे दिया सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सिंपल है, सेकंड फॉर्म को आपने क्या करना, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड योर सेंटेंस इज कंप्लीट। आई वुड बाय इट, ये कब बोलेंगे कि वो पेंटिंग करती है, मुझे बताओ, वो नहीं करती है पेंटिंग, उसको पेंटिंग करने नहीं आती है, वो और पेंटिंग, ठीक है। सो इफ शी पेंटेड अ पिक्चर आई वुड बाय इट, ओह कोई नहीं, बना लेगी तो मैं खरीद लूंगा, पता है बनाएगी नहीं, ठीक है, तो इमेजिनरी है। इम्पॉसिबल कंडीशन में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट इज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म दोनों में से कोई एक कर लीजिए। Had you obeyed your parents, they would have blessed you. If you had obeyed your parents, they would have. क्यों नहीं किया? Because you didn't obey them. और अगला कैसे होगा? Subject plus would plus have, then third form of the verb. This will be the structure. जितने मर्जी बना लीजिए, जितने मर्जी बना लीजिए। Had I joined a university, I would have opted for science. I would have done. किसने पूछा? आपने MA English क्यों नहीं किया? आपने MA English क्यों नहीं किया? Had I joined a university, I would have done MA in English. अगर यूनिवर्सिटी जाता तो जरूर करता। तो आपके ये जितने भी हैं, देखिए तीन जो हैं, ये देखिए, ये आपके तीन ग्रुप बन गए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड, जितने मर्जी सेंटेंसेस बना लीजिए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास इन द एग्जामिनेशन, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास इन द एग्जामिनेशन, हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। दिस इज पॉसिबल, this is impossible, at some point of time in the past it was also possible but the condition was not fulfilled so result was not there, okay, and this one is imaginary, ye sirf so oh karta to pass ho jata, theek hai, karta kya wo padhta hi nahi hai, theek hai, to ye aapke ho gaye conditional sentence. to students aapne कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या देखा कि यू विल हैव टू फुलफिल द कंडीशन फर्स्ट, पहले शर्त को, कंडीशन मीन शर्त, पहले शर्त को पूरा करना पड़ेगा फिर आपका परिणाम आएगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में यू विल हैव टू फुलफिल द कंडीशन मीन शर्त को पूरा करना पड़ेगा, शर्त पूरी करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा। थैंक यू।